पहले आप लोजपा में थे, अभी भी हैं, अभी भी हैं, अभी भी हैं, हाँ। लेकिन पांच पांच जगह, हाँ। पांच जगह चिराग जी का, हाँ। हमारा लोजपा का हर जगह विरोध कर रहा है, हर जगह, हर जगह। पशुपति पारस जी का आदमी है, हाँ, पशुपति पारस जी का सपोर्ट करें, फुल्ली फुल्ली फुल्ली, हाँ। लोकल पे बोका, पूरा यहाँ लोकल पे बोका चल रहा है, और एक तरफा वोटिंग होगा, और ये 2 लाख बोले, 3 लाख से यहाँ सन्नी जाए जितने जा रहे हैं, जी हाँ, एक तरफा माहौल, एक तरफा। युवा पे उम्मीद है आप लोग को, युवा ही देश का तकदीर और तस्वीर बदल सकता है, उम्मीद है। कौन है वो सन्नी हजारी, वो युवा है, संभावी को सन्नी ग्रह लग गया, हाँ। और यहाँ से वह बुरी तरह हार करके जाएगी, मंत्री जी के बेटी है, आई है यहाँ समस्तीपुर के लिए, जब यहाँ नॉमिनेशन के लिए, हाँ। तब जाकर के बोली आज हम पहली बार ही समस्तीपुर आए हैं यहाँ पे जनता से संपर्क करने के लिए। लगातार आपको हम समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र से खबर दिखा रहे हैं कि यहाँ क्या माहौल है, हम लोगों से राय टटोल रहे हैं कि यहाँ जनता किसके साथ समर्थन कर रही है, किसको वोट दे रही है। हम जनता के बीच है, जनता से जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रभात कुमार है। क्या माहौल लग रहा है यहाँ? माहौल तो बिल्कुल जो है आप देख रहे हैं, अपार जन समर्थन, हाँ। जो कि हमें नहीं लगता है कि इससे पहले जो भी सांसद बन के गए हैं, हाँ। उनको भी इनका इतना जन समर्थन मिला था। इनके साथ लोग दिल से जुड़े हुए हैं, दिल से जुड़े हुए हैं, दिल से जुड़े हैं। ये स्थानीय उम्मीदवार भी हैं, हाँ। और कांग्रेस पार्टी ने इनको टिकट देकर के भेजने का काम किया है, हाँ। कांग्रेस जो गारंटी पत्र लाई है उस पर, हाँ। लोगों को भरोसा है, हाँ। मोदी जी का जो गारंटी होता है, हाँ। तो मोदी जी का गारंटी चाइना माल जो होता है सामान, हाँ। उसके तरह उनका गारंटी, लेकिन कांग्रेस जो लोगों को भरोसा देती है उस पर खरा उतर। घर का और बाहर का मामला चल रहा है, बिल्कुल घर का। और किन्हें चुनेंगे हम लोग? अपने स्थानीय उम्मीदवार सन्नी हजारी जी को चुनेंगे, और किसको चुनेंगे? यहाँ का बेटा जो है उसको चुनेंगे, हाँ। और किसको चुनेंगे? हाँ। हम लोग अपने स्थानीय उम्मीदवार और युवा जो कर्मठ उम्मीदवार हैं, हाँ। हम लोग उनको चुनने चुन करके, हाँ। और भारी से भारी मतों से विजयी बना करके। युवा पे उम्मीद है आप लोग को? युवा ही देश का तकदीर और तस्वीर बदल सकता है, कैसे नहीं उम्मीद है? क्यों नहीं उम्मीद है? कौन है वो सन्नी हजारी, वो युवा है, हाँ। और क्या साथ है आप लोग उनके? साथ है, साथ है, साथ है। क्या नाम हुआ आपका? भार्गव कुमार। भार्गव कुमार, भार्गव कुमार। अच्छा, क्या माहौल है भार्गव जी? कांग्रेस जीत रही है, सन्नी हजारी जीत रहे हैं, बहुत महागठबंधन जीत रहा है यहाँ से, समस्तीपुर से जीत रहा है, जीत रहा है। लड़ाई कहीं है क्या? कहीं लड़ाई नहीं है, कहीं लड़ाई नहीं है। उधर लगातार एनडीए अलायंस के जो उम्मीदवार है जीत का दावा ठोक रहे हैं, वो तो 4 जून को पता चलेगा। क्या हवा हवाई बात है? वो हवा हवाई है, और इस बार शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार का मुद्दा है, हाँ। और ये पूरे देश में मुद्दा बन गया है, हाँ। और कांग्रेस का और इंडिया गठबंधन का भी एजेंडा है, हाँ। रोजगार का, महंगाई कम करने का, हाँ। और आप देख रहे हैं किस तरह से 200 यूनिट जो है बिजली देने का बात भी है महागठबंधन के द्वारा। इस मुद्दा पे साथ है, एकदम साथ है, एकदम साथ है। तो क्या माहौल लग रहा है? आपका क्या नाम हुआ? हमारा मनोज राय नाम हुआ, मनोज राय अध्यक्ष जी। जी, राय मतलब जादव, जादव जी, जी। क्या माहौल लग रहा है जादव जी? माहौल यहाँ कोई लड़ाई नहीं है, लड़ाई नहीं है, सन्नी हजारी फूल बहुत बहुत 2 लाख से जीतेंगे। 2 लाख जी, आपको देखना ही ना है जो घूम रहा है हम क्षेत्र में, कैसा लग रहा है सो? कहीं कोई लड़ाई नहीं है, कोई लड़ाई नहीं, कोई है, कोई लड़ाई नहीं है। तो फिर हेलीकॉप्टर का क्या होगा? हेलीकॉप्टर का पेट्रोल खत्म हो जाएगा, पेट्रोल खत्म है हेलीकॉप्टर का, चढ़ के चले जाएंगे। क्या बोले भैया? हेलीकॉप्टर चढ़ के आए और हेलीकॉप्टर चढ़ के वो चले जाएंगे। अभी जो संभवी चौधरी, हाँ। जिसके बारे में बोले, जो समस्तीपुर जब यहाँ नॉमिनेशन के लिए, हाँ। तब जाकर के बोली आज हम पहली बार ही समस्तीपुर आए हैं यहाँ पे जनता से संपर्क करने के लिए, हाँ। और युवा में जो अग्निवीर योजना जो लाया है, हाँ। अमित शाह का बेटा बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनेगा 5 साल के लिए, हाँ। और किसान का बेटा अग्निवीर में जाएगा 4 साल के लिए, कहाँ का न्याय है? इस बार युवा किसके साथ है समस्तीपुर में? लोकल पे बोका, पूरा यहाँ लोकल पे बोका चल रहा है, और एक तरफा वोटिंग होगा, और ये 2 लाख बोले, 3 लाख से यहाँ सन्नी हजारी जितने जा रहे हैं, 3 लाख, जी हाँ, एक तरफा माहौल, एक तरफा। सन्नी हजारी पे उम्मीद है युवा को? उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है, हाँ। आपको खानपुर में भी वह सेवा किया, और जहाँ भी जाइए आप उनको, कहीं भी गरीब परिवार में भी उनको इन्वाइट कीजिएगा, बुलाइएगा, हर जगह वो आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन संभावी चौधरी क्या, हाँ। मंत्री जी के बेटी है, आई है यहाँ समस्तीपुर के लिए, क्या माहौल लग रहा है? झंडा उंडा लगेले है? माहौल तो लग रहा है, आपको बुझा नहीं रहा है क्या माहौल लग रहा है? सो मतलब एकदम चांदी है, चांदी है, चांदी है, कहने का मतलब कोई चांदी का ताजपोशी कौन पहनेगा?
सन्नी हजारी पहनेंगे, सन्नी हजारी पहनेंगे हमारे यहाँ। सन्नी ग्रह लग गया है जी, संभावी को सन्नी ग्रह लग गया है। हाँ। जो पहले बतलाया जा रहा था सन्नी संभावी को कोई टक्कर में नहीं है, वो बोले थे विपक्ष का उम्मीदवार कौन है। हाँ। अभी उसको जाके बोल दीजिएगा संभावी को सन्नी ग्रह लग गया है। हाँ। और यहाँ से वह बुरी तरह हार करके जाएगी। कांग्रेस का जो गारंटी है, कांग्रेस ने बोला हर महिला को 8333 रुपया, यानी एक महिला का जो मुखिया उसका उसको 1,00,000 रुपया देगा। और जो युवा है जो आपको ऐसे ग्रेजुएशन कर लेता है, डिप्लोमा कर लेता है, गार्जियन बोलता तुम के लिए क्या करेंगे सन्नी हजारी? आप लोग सन्नी हजारी के साथ हैं, नाम ले रहे हैं सन्नी हजारी का बार बार। युवा के लिए वो यहाँ ऐसे तरह तरह के फैक्ट्री लगाएंगे, जो फैक्ट्री यहाँ बंद है उसे चालू करवाएंगे। हाँ। और कांग्रेस जब सत्ता में आएगी। हाँ। तो युवा को नौकरी देगी और 6 महीना में 3,00,000 बहाली कांग्रेस सरकार लाने जा रही है। और युवा के लिए 1,00,000 का स्कॉलरशिप देगी उसे नौकरी ढूंढने के लिए। आपका अगला सांसद कौन होगा समस्तीपुर से? सन्नी हजारी। सन्नी हजारी। हाँ। आपका भैया? मेरा परिचय लीजिए। मेरा नाम हुआ गोपाल शर्मा। हाँ। लोजपा प्रिंस राज के प्रखंड अध्यक्ष। पहले आप लोजपा में थे? हाँ, अभी भी हैं। अभी भी हैं। अभी भी हैं। हाँ। लेकिन पांच जगह। हाँ। पांच जगह चिराग जी का। हाँ। हमारा लोजपा का हर जगह विरोध कर रहा है। हर जगह, हर जगह पांच टीम चाचा है क्या यार? हम टीम चाचा, टीम गुरु हैं। उनको एमडी बुझाया जाएगा जब व्यवस्था क्या है। बिहार फर्स्ट पशुपति पारस जी का आदमी है। हाँ, पशुपति पारस जी का सपोर्ट करें। फुल्ली फुल्ली फुल्ली। हाँ, आओ समस्तीपुर में सांसद एनडीए में है। थोड़ा सा सांसद प्रिंस राज ही ना है। चिराग जी का जिला अध्यक्ष न फोटो लगाया मंच पर, न झंडा लगाया, न बैनर लगाया, न मेरा विनय चौधरी जी का कोई पूछपाछ हुआ। हम लोग निर्णय लिया, जनता बदला ले रहे हैं। आप लोग चिराग लेंगे। चिराग जी कहाँ जाएंगे? फिर जाएंगे जहाँ जाना होगा जाएंगे। संभावी कहाँ जाएगी? संभावी भी जहाँ जाना होगा जाएगा। जब राम विलास पासवान सब चीज हार गए थे तब मान लिए लालू प्रसाद यादव उनको राज्यसभा भेजे थे, वो भी भूल गए चिराग पासवान। अभी चिराग पासवान भी चले आएंगे जमीन तो पे। समस्तीपुर के जनता चुन लिया है नेता। जी जी, सन्नी हजारी जिंदाबाद। सन्नी हजारी। कौन होंगे आपका अगला नेता? सन्नी हजारी। कौन होंगे आपके साथ? सन्नी हजारी। हजारी जिंदाबाद। सन्नी हजारी जिंदाबाद। नाम हुआ आपका? राम नरेश राय। राय मतलब यादव। अरे यादव जी, लालू यादव के नाम पे दूसरा कुछ नहीं चलने वाला है। सिर्फ हाथ छाप। सिर्फ हाथ छाप, दूसरा कुछ नहीं। ये जनता सन्नी हजारी के साथ है। सन्नी हजारी, सन्नी हजारी, दूसरा कुछ नहीं। सन्नी हजारी, सुनिए ना, उपे चुपचाप हाथ छाप, चुपचाप हाथ छाप, चुपचाप हाथ छाप, हाथ छाप, चुपचाप हाथ छाप। तो ये छाप, ये जनता समस्तीपुर की जनता है और इन्होंने अपना नेता को चुन लिया है। इन लोग ने अपना सांसद मान लिया है कि हमारा जो सांसद होंगे वो सन्नी हजारी होंगे और पशुपति पारस चाचा जो चिराग पासवान के अपने चाचा हैं, उनके जो पार्टी के पदाधिकारी हैं वह सन्नी हजारी को मदद कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम पांचों सीट पे एनडीए को हराएंगे और जहां जहां चिराग का कैंडिडेट है वहां भी हराएंगे। बहरहाल चाचा का जो टीम है वह सन्नी हजारी के साथ है समस्तीपुर में। बाकी हमारी बातचीत में आपकी क्या राय है वह नीचे कमेंट बॉक्स में दे। फेसबुक पर देख रहे वीडियो को शेयर कर ले, यूट्यूब पर देख रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।